राधे राधे जी, कैसे हो? सब लोग ठीक हो? तो मैं आज बनाने जा रही हूँ कुट्टू की आटे की टिक्की। टिक्की आटे की दो आलू उबाल रखे हैं, हरी मिर्ची है, थोड़ा सा धनिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधा चम्मच डाल रही हूँ काला नमक, इसमें यही वक्त में यही खाया जाता है, तो मैं ये डालूँगी थोड़ा सा। चलिए मैं अभी इसको मिलाती हूँ अच्छे से। मैं एक चम्मच डालती हूँ देसी घी। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, ज़्यादा डालूंगी तो गीला हो जाएगा, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी पानी। तो मैंने गैस जला दिया है, अब मैं डाल रही हूँ देसी घी। ये भी गर्म हो चुका है, तो मैंने तैयारी करके बन ली। मैं इसी तरह से बनाऊंगी ये भी। तो अभी ये बन रहे हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारी टिक्की बन रही है कुट्टू की आटे की, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो कुट्टू की आटे की टिक्की बन चुकी है और बहुत ही मस्त लग रही है, अच्छी लग रही है देखने में। इसे खाने से कमजोरी बिल्कुल नहीं आती शरीर में, आप लोग यही खाइए बर्फ में। बस अब दो चार दिन के बाद है बस, फिर तो नवरात्रि माता रानी चला जाएगा, नवरात्रि का त्यौहार।
चुके हमारे, ये बन चुके हमारे कुट्टू की आटे की टिक्की। कैसे लगी आपको? तो आप लोग दही के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो बहुत ही एकदम से बहुत अच्छी हो रखी है एकदम से अंदर से, और कुरकुरी भी हो रखी एकदम से। तो दही के साथ खाना और बहुत अच्छी लगती है दही के साथ। और अपना ध्यान रखना, अपना सेहत का ध्यान रखना। और आज की वीडियो इतनी है, चलते हैं आप मिलते आते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।